सिक्किम के जेमा इलाके में एक वाहन गहरी खाई में गिर गया है। हादसे में आर्मी के 16 जवानों की मौत हो गई है। मौके पर राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। सेना के 4 जवानों को घायल अवस्था में रेस्क्यू किया गया है और अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। जानकारी के मुताबिक सेना के 3 वाहन सुबह जवानों को लेकर जा रहे थे। ये काफिला चटन से थेंगू की ओर जा रहा था। जेमा के रास्ते में एक वाहन का चालक अचानक मोड़ पर खड़ी ढलान की वजह से संतुलन खो बैठा और वाहन नीचे खाई में जा गिरा। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस अफसर पहुंचे और बचाव अभियान शुरू किया गया। बताते हैं कि 4 घायल सैनिकों को तो रेस्क्यू कर निकाला गया, जबकि 3 जूनियर कमीशन अधिकारियों और 13 सैनिकों ने दुर्घटना में लगी चोटों के कारण दम तोड़ दिया। भारतीय सेना ने हादसे पर बयान जारी किया है और कहा, इस दुख की घड़ी में हम उन मृत सैनिकों के परिवार वालों के साथ खड़े हैं। परिजनों को हर संभव मदद की जाएगी। सेना के एक अधिकारी ने बताया कि उत्तरी सिक्किम में दुर्घटना में शामिल सेना का वाहन चटन से थेंगू की ओर जा रहे 3 वाहनों के काफिले का एक हिस्सा था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट कर दुख जताया है। उन्होंने कहा, उत्तरी सिक्किम में एक सड़क दुर्घटना में भारतीय सेना के जवानों की जान जाने का उन्हें गहरा दुख हुआ है। राष्ट्र उनकी सेवा और प्रतिबद्धता के लिए हृदय से आभारी है। जो लोग घायल हुए हैं उनकी शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ।